गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जाएंगे शीला के रास्ते माँ चंडी देवी टेम्पल। तो गाइस, ये अपना ऋषिकेश के बैराज का पुल आ चुका है। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो गाइस, अब हमने एंट्री कर ली है शीला के रास्ते हरिद्वार जाने वाले रूट पे। चंडी देवी के मंदिर जा रहे हैं शीला के रास्ते। गाइस, आज दिन मौज करेंगे। ऐसे तो दो ही जगह है, पर ट्राई करेंगे मस्ती पूरी हो। तो देख सकते हैं गाइस, शीला के रास्ता कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। एक तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ ही पेड़, और एक तरफ गंगा माँ बह रही है। कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। गाइस, आप जैसे देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है। नेचर एकदम मतलब शांत है, ठंडा है, आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्लेसेस अब बहुत ही कम बचे हैं। तो आप देख सकते हैं, बस जहाँ देखो वहाँ तक सिर्फ आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। तो आप भी विजिट कर सकते हैं हमारे उत्तराखंड में, बहुत ही प्यारी जगह है। इस जगह को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है तो इस वक्त यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, वरना लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने आते हैं, घूमने आते हैं। यहाँ पर हमारी जगह पे देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल बना रखा है। तो गाइस, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे ऋषिकेश में स्थित चिला डैम है। इस जगह को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। आसपास आप जैसे देख सकते हैं, हरी भरी जगह है, मतलब हरे जंगल, बिल्कुल ठंडा नेचर है, बगल में गंगा माँ है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप देख सकते हैं। इस जगह को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो आप भी यहाँ पर विजिट करिए, बहुत ही अच्छी जगह है। Thank you.
तो गाइस हम चीला में राजा जी टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। ये राजा जी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जंगल सफारी होती है, और अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो यहाँ पे मैगी पॉइंट है, वहाँ की मैगी बहुत टेस्टी है, वो ज़रूर खाइए। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, फॉरन से भी लोग घूमने आते हैं, अपने इंडिया के तो आते ही आते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, सफारी होती है वहाँ पर। गाइस हम चंडी देवी मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। ये पैदल जाने का मार्ग है चंडी देवी मंदिर। गाइस ये जो रास्ता है ये पैदल जाता है चंडी देवी के मंदिर पे, खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, बहुत मेहनत वाला। जो श्रद्धालु होते हैं वो इसी चढ़ाई से आते जाते हैं। तो हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम ट्रॉली में बैठ के जाएंगे, तो उधर की तरफ जा रहे हैं हम इस वक्त। तो गाइस मिलते हैं फिर आगे आपसे। हैं तेरा मतलब क्या है, जो ट्रॉली से जाते हो श्रद्धालु नहीं है? नहीं नहीं वो भी श्रद्धालु है जो ट्रॉली से जाते हैं, हमारे पास टाइम कम है, टाइम की कमी के कारण हमें ट्रॉली में बैठ के जाना पड़ रहा है। गाइस आप ये मत समझिए कि हम में भक्ति नहीं है, हमें भी फूट फूट के भक्ति भरी है। तो गाइस ये है चंडी देवी मंदिर, पूरन खटोला से जाने का रास्ता। आप देख सकते हैं आज कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं अब हम पूरन खटोला के लिए जा रहे हैं। ये उरण खटोला का रास्ता जा रहा है यहाँ से। तो गाइस आप देख सकते हैं वो है चंडी देवी मंदिर। चलो चप्पल निकाल। तो गाइस हम चंडी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं, अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।